फ्रेंड्स, अक्सर हम उस देश में जाने की कोशिश करते हैं या उस देश में जाने का सपना देखते हैं जो टेक्नोलॉजी और जो हर चीज में हमारे देश से आगे हो, जहां हम नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके की खोज को देख सके, जहां हमें अपने देश से कुछ डिफरेंट देखने को मिले, इसलिए हम ऐसे देश को चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे देश में जाने के बारे में सोचा है जो आपकी संस्कृति के करीब ले जाता हो, जो ये बात का एहसास दिलाता हो कि अभी भी हमारी संस्कृति कहीं नहीं गई है। एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति को आज भी बहुत बखूबी से निभाता है, जहां बाकी दुनिया टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के साथ बढ़ती ही जा रही है, वहीं एक ऐसा देश भी है जो आज भी अपनी संस्कृति परंपराओं के लिए जाना जाता है और उन्हीं पर चलता है। मैं बात कर रही हूं अफ्रीकन देश इथियोपिया की, जहां की संस्कृति को अपनाना हर किसी की बात नहीं। जहां पूरी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, वहीं आज भी ये देश का कैलेंडर पूरी दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे है। जी हां, पूरे 7 साल 3 महीने पीछे ये कैलेंडर चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इथियोपिया ये पहला वो देश था जिसने कॉफी की खोज की थी, और दुनिया में मिलने वाला सबसे पहला कंकाल भी इसी देश में मिला था। जिन लोगों को इथियोपिया के बारे में पता है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तरह की चीज आती होगी, वो है मुंह में बड़ा सा सर्कल डाल करके घूमने वाले इंसान। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में शामिल किया जाता है, पर उससे बढ़कर भी ये देश है। आइए आज मैं आपको इसी देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो अगली बार अगर आप किसी ऐसे देश के बारे में सुने जहाँ के बारे में आपको अच्छी बातें बुरी बातें ज्यादा सुनने को मिले, तो एक बार उस देश के बारे में जरूर जाने, ताकि आपको पता चले कि दुनिया का हर कोना खूबसूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इथियोपिया दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है, जिसका आकार बोलिविया के बराबर है। 11 करोड़ की आबादी में रहने वाले इस शहर में आपको हमेशा सिर्फ यंगस्टर ही दिखाई देंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पुरुष सिर्फ 48 वर्ष तक और महिलाएं 38 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। इस देश में बहुत तरह की विभिन्नता है, जिसमें से सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि यहाँ के लोग 90,000 तरह की भाषाएं बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इस देश को दुनिया का सबसे पुराना मुल्क कहा जाता है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि भले ही ये देश लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की इकोनॉमी बाकी देशों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। 2004 और 2009 के बीच में इस देश ने काफी तेजी से इकोनॉमी के मामले में अपने देश को आगे बढ़ाया है, और आज भी यह देश तरक्की के मामले में धीरे धीरे काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, और वो भी बिना किसी बाहरी मुल्क की सहायता के। इथियोपिया में कई तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है सिरी और मोई। हर देश की तरह इस देश में भी काफी राज्य काफी विकसित हैं और काफी कमजोर भी, यानी काफी अविकसित। लेकिन उसके बावजूद भी यह देश अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसी वजह से इस देश की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोगों का पहनावा और रहन सहन ही इस देश को पूरी दुनिया से अलग बनाता है, जिसे एक बार आपको देखने की जरूरत है। स्क्रीन पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि यह तस्वीरें बहुत भयानक है, पर असल में यही इनकी संस्कृति है, यही इनका रहन सहन और यही इनका पहनावा, जिसकी वजह से यह देश काफी अलग माना जाता है। इस जनजाति के लोग अपने होठों में प्लेट डालते हैं। इन्होंने ऐसा अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए और उस गुलामी से बचने के लिए किया जो ये सालों से झेलते आ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेट के पीछे की अलग मान्यता भी है, यानी जिसके मुंह में जितनी बड़ी प्लेट होगी वो उतना धनदानी, उतना बड़ा ज्ञानी, और जिस लड़की के मुंह में जितनी प्लेट होगी उसके पिता को उतनी ही ज्यादा गाय एज अ दहेज मिलेगी। धीरे धीरे ये तरह की परंपरा घटती जा रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इस परंपरा के साथ जी रहे हैं, और वो भी बिल्कुल खुशी और उल्लास के साथ। लोगों के लिए भले ही इनका कल्चर पुराना है, लेकिन असल में संस्कृति इसी का नाम है। इनका पहनावा, पोशाक और रहन सहन ही इन्हें पूरी दुनिया से अलग करता है। यहाँ के लोगों में एक और खास बात है, वो ये कि यहाँ के लोगों को शादी करने से पहले एक खूनी खेल खेलना पड़ता है, जिसे डोंगा कहते हैं, जहाँ पर लड़कों को अपनी दुल्हन को पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है, जिसमें कभी कभी दो पार्टियों में से किसी एक की जान भी चली जाती है, पर वो भी एक तरह की परंपरा है जिसका हम सम्मान करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया क्रिसमस को 25 दिसंबर को मनाती है, वहीं इथियोपिया अपना क्रिसमस 7 जनवरी को मनाती है। यह इस वजह से क्योंकि यहाँ का कैलेंडर ये खुद बनाते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में 12 महीने होते हैं, वहीं इस देश में 13 महीने होते हैं। खैर, ये रही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने आपको इथियोपिया के बारे में बताई। दोस्तों, आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इस देश को दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री कहा जाता है। जो लोगों ने वहाँ के बारे में ट्रैवल किया है, वहाँ गए हैं, उनके द्वारा मैंने पढ़े कुछ आर्टिकल्स में ये देखा था कि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग सब बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही साथ वहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। आप अक्सर बड़े देश, बड़ी दुनिया में घूमने का सपना रखते हैं, पर एक बार ऐसे देश में भी जाकर देखें जो आपको संस्कृति
और उसकी परंपराओं से जोड़ता हो, क्योंकि वही उस देश को महान बनाता है, वही उस देश को खूबसूरत बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।